नमस्कार, मैं संतोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। जैसे अपनी पिछली मैंने वीडियो में किचन के टिप्स बताए थे, इसी तरह से मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जो हम घर में जो खाना बनाते हैं तो वो आपका किस तरह से और ज्यादा स्वादिष्ट बन सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ। जैसे हम पूड़ियों का अगर आटा आप गूंथते हैं तो उसमें से अगर आप थोड़ा सा बेसन भी मिला लेंगे तो पूड़ियां बहुत ही करारी बनेंगी। और आटे में बेसन मिलाकर मेथी या मूली के अगर आप पराठे बनाते हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। मुलायम पूड़ियां अगर बनानी हो तो आटे को पानी के बजाय आप दूध में गूंथते हैं तो जो पूड़ियां हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। आलू के पराठे बनाते समय थोड़ा सा अगर भुना बेसन ना मिले तो ब्रेड का चूरा अगर आप उसमें मिला लेते हैं तो आलू पराठे से बाहर नहीं निकलेंगे। पकी हुई दाल आटे में भरकर, यानी जो दाल है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है और बहुत सारी पूड़ियां बनानी है या पराठे बनाने हैं और आप चाहते हैं कि वो सॉफ्ट रहें, तो जैसे आपके घर में कोई दाल बनी हुई रखी हो तो उस बनी हुई दाल से अगर आप आटा गूंथते हैं, और अगर दाल ना भी हो तो जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं तो उन सब्जियों को आप मिक्सी के बाउल में पीस कर और फिर अगर उससे आटा गूंथते हैं और फिर आप किसी भी चीज के अगर पराठे बना लेंगे उसको भर के बना लीजिए। अगर भर के नहीं भी बनाते हैं, सादा भी बनाते हैं, तो वो पराठे ये लगा लीजिए आप 4-5 घंटे तक बहुत ही सॉफ्ट, और जब भी कभी आना जाना हो, कहीं जाना हो, तो गरम गरम पराठे ही पैक करने चाहिए। और रोटियों के डिब्बे को अगर आप चाहते हैं, जैसे रोटी 2-3 घंटे बाद खानी है और अभी बना के रख ली और चाहते हैं भी गर्म ही रहे, दोबारा गर्म ना करनी पड़े, तो जो रोटियों का आप डब्बा है जो, उसको अगर आप तवे के ऊपर रखते हैं, गर्म तवे पे जैसे रोटियां बना ली, तो उसी तवे पे ऊपर आप जो बैंगन भुनने वाली जाली होती है उसको रख के उसके ऊपर आप रोटी का डब्बा रख दीजिए तो रोटियां आपकी 1-1.5 घंटे तक गर्म ही मिलेंगी आपको। अब जैसे रोटियां रखे रखे मान लीजिए सख्त हो गई हैं तो आप रोटियों को गर्म करके और कुकर में अगर बंद करके रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए तो भी रोटियां बहुत मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब खाने लायक हो जाती हैं, अच्छी लगती हैं। और आलू की कचौड़ी के मसाले में थोड़ा सा अगर चिवड़ा मिला देते हैं तो कचौड़ियां करारी बनेंगी और साथ ही जो मसाला है वो आपका बिखरेगा नहीं। मेथी के पराठों का अगर आपने स्वाद लेना है तो उसको जो पानी है, पानी के बजाय आप मट्ठे से, यानी जिसे लस्सी कहते हैं, अगर लस्सी ना मिले तो आप दही से गूंधिए तो उसका स्वाद आप देखेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। और चावल, जैसे हम इडली और डोसा वगैरह बनाते हैं तो चावल हम ऐसे ही पीस लेते हैं, अगर आप चावल को हल्का सा भून लेंगे और फिर अगर पीसेंगे तो आप देखना आपका जो डोसा है बहुत ही कुरकुरा बनेगा, और इडलियां अगर बनाएंगे तो वो बहुत ही नर्म और मुलायम बनेंगी। डोसे के लिए चावल और दाल पीसते समय थोड़ा सा अगर चिवड़ा आप डाल देते हैं तो डोसा बहुत ही करारा बनता है। और इडली और डोसे के मिश्रण में अगर आप 1 चम्मच सिरका डाल देते हैं तो जो उनका रंग है बड़ा खिला खिला सा आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। और 2-3 पापड़ कुछ देर आप पानी में जैसे डाल दीजिए और पापड़ उन निकाल के अलग रख दीजिए, और उस जो पानी है उससे आप इडली का मिश्रण अगर बनाते हैं तो इडली बहुत मुलायम बनती है। चावल को पकाने से पहले अगर कुछ देर नमक मिले पानी में भिगो कर रख देते हैं, जैसे वैसे तो भिगोते ही हैं, नॉर्मल भिगो के चावल बनाते हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक भी डाल दें पानी में तो आपके जो चावल है एक तो सफेद बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। पुलाव बनाते समय यदि थोड़ी सी गाजर कद्दूकस करके डाल दी जाए, जैसे अब गाजर का मौसम है, तो पुलाव जो है ना देखने में बहुत अच्छा लगता है, और कहते हैं जो खाना देखने में अच्छा लगता है तो उससे और भूख बढ़ जाती है और अच्छा लगता है वो। पुलाव बनाने के कुछ देर बाद बारीक कपड़े से अगर आप उसे ढक देते हैं तो एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा, यानी खिला खिला हो जाएगा। अब जैसे आपको चाहिए कि चावलों में कुछ खुशबू सी आती रहे, सुगंधित चावल एक तरह से कह लीजिए, अगर वैसे चावल आप खाना चाहते हैं तो चावल बनने के बाद उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दीजिए तो बड़ी खुशबू वाले चावल हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और यदि चावल थोड़ा गीला बन गया है और आप चाहते हैं भाई खिला खिला सा चावल बनना चाहिए था, तो आप क्या करें कि जैसे ब्रेड के कुछ पीस ले लें, उनको चावलों के ऊपर रख दें और थोड़ी दूर वो रखे रहेंगे पीस, तो ब्रेड पीस, तो वो चावल का जो गीलापन है वो सोख लेंगे और चावल आपके खिले खिले हो जाएंगे। चावल बनाते समय यदि थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं तो भी चावल सफेद और खिले खिले बनते हैं। पुलाव बनाते समय 1/2 चम्मच चीनी डाल देने से पुलाव की महक बहुत अच्छी लगती है और रंग भी बहुत अच्छा आता है। चावल को दोबारा अगर आपने गर्म करना है और उसे खाना है तो इसे छन्नी में डालकर, कोई भी आप छन्नी ले लीजिए, लोहे की छन्नी, स्टील की छन्नी डालकर एक बर्तन में आप पानी भरकर उसे गर्म कर लीजिए और उस छन्नी को उस बर्तन के ऊपर रख दीजिए, तो जो पानी की जो भाप होगी, भाप से चावल गर्म हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी चावल बनाए हैं। यदि चावल बनाते समय पानी में थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं तो दाने आपस में चिपकते नहीं है। घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं,
आप घी डालना चाहें घी डाल दीजिए और तेल डालना चाहें तेल डाल दीजिए। यदि पुलाव को सूखा रखना हो तो मलमल के कपड़े से बर्तन ढक दो तो कपड़ा शीघ्र जल को जो पानी है उसको अपने अंदर सोख लेता है, तो इससे भी जो पुलाव है वो अच्छा, जैसे मेहमान आने बहुत सारा पुलाव बनाना तो उसके ऊपर एक कपड़ा आप पुलाव के ऊपर ढक दीजिए तो उससे भी जो चावल है वो खिले खिले रहते हैं। अब एक चीज और बताती हूँ, जैसे गेहूं हम लोग पिसवाते हैं, अब वैसे तो बाजार से आटा खाया जाता है पर कुछ घरों में अभी भी गेहूं पिसवाए जाते हैं, तो गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप सोयाबीन मेथी और मूंग की दाल भी अगर डाल दें तो इस आटे से बनी रोटियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं, क्योंकि मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है वो बहुत कम घरों में मतलब खाते हैं, एक तरह से ही कहते हैं कि भाई बीमार लोगों की दाल है, पर अगर उसे आप आटे में अगर डाल देते हैं तो वो बच्चे भी खा सकेंगे उसे। और गूंधे हुए आटे पर अगर आप सरसों का तेल डाल देते हैं तो उसपे जो आप देखेंगे मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब कभी मेहमान वगैरह आते हैं बहुत सारा आटा गूंदना पड़ता है तो उसपे अगर आप थोड़ा सा ये डाल देते हैं सरसों का तेल तो मक्खी मच्छर नहीं बैठते। आटे में अगर मोंद देना हो तो घी तेल गर्म करके ही डालना चाहिए, कई लोग जैसे तेल वगैरह डालते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं, तो आप गर्म करके डालेंगे तो मोंद अच्छा लगता है। आटे गूंथते समय अंत में हाथ में थोड़ा सा पानी तथा नमक लगा लें तो थाली या परात में आटा कभी आपका चिपकेगा नहीं, चिपका हुआ दिखाई नहीं देगा यानी। और यदि रोटियां मुलायम बनानी हो तो आटा गूंदने में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठंडे पानी से, अब जैसे सर्दी का मौसम है तो फिर गुनगुने पानी से ही आटा गूंदना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिए गए टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, इन टिप्स को अपनाइएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।